अभी दोपहर का टाइम है और अभी आप देख रहे होंगे मैं अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने ना वही वाला ऑयल बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे बाउल मेरी, जो मैंने पीछे वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। अगर आपके आप इस एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, एक बार का मैं बोलती हूँ लगातार आप 1 मंथ तक इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी को मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ, दोपहर का समय है। देखो कैसे कैसे कर दिया, सिर्फ ये ऐसे नहीं करते बच्चे, इसको चोट नहीं लगेगी। देखो कैसे कर दिया उसने, बंद बंद कैसे कर दिया देखो। और बुक्स बुक्स उठाओ सारी अपनी, देखो इनकी क्लासेज अभी ऑफ हुई दोनों की, तो दोनों की मतलब शिवा की तो पहले हो गई है ऑफ ना, लेकिन आपकी तो अभी हुई ना। बस अभी सारी बुक्स सब सब कुछ उन्होंने देखो नीचे, और ये शिवा की ये होती है एक्टिविटी बुक, इसमें एक्टिविटी होती है पर्स थैला, थ थैला लगा इसको, अरे इसमें नोटबुक में लगाना है, सुबीना की भर के इसको गिरा देना इसको, ऐसे ही रखा मैंने भी। थ थैला कमेंट में बताना मैंने थैला बनाया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, दिखाओ बहुत सुंदर थैला लग रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी आप पीछे देख रहे होंगे ये मैंने तेल डालने के बाद, जैसे आपने देखा ना पहले क्लिप, मैंने बालों में ऑयलिंग की, तो इस ऑयल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और लगातार जब भी कोई रेमेडी बताती हूँ ना, तो उसको कम से कम 1 मंथ ट्राई जरूर कीजिएगा, उसके बाद आप उसके रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद उसका इफेक्ट होने लगता है। और मैंने ना पीछे बाल, जैसे हम तेल डालते हैं बालों में तो बालों को बिल्कुल बांध के रखना चाहिए, वैसे ही मैंने किया है, आज पूरे बांध के रखे। और अभी मैंने अपना एक प्रोजेक्ट फिनिश किया, जब कोई प्रोजेक्ट फिनिश करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत पता कब से कर रही हूँ, आज शाम से कर रही हूँ, देखो टाइम। और आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूंगी, थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी, ठीक है? थोड़ा सा सस्पेंस रखिए, मतलब थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, ताकि पीछे में शीशे में देख रही हूँ, देखो कैसे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरा प्रोजेक्ट अभी फिनिश हुआ, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। तो इसकी जो वीडियो है वो आपको मिलेगी सारी SH फैशन वर्ल्ड पे, पूरा मैंने पार्ट बाय पार्ट इसका डाला है, कैसा बना शिवा के लिए स्वेटर प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। ये काफी दिनों से मेरा लटका हुआ प्रोजेक्ट था जो मैंने आज फिनिश कर दिया। वैसे मेरे प्रोजेक्ट ज्यादातर लटके ही रहती हैं, ये इसकी रॉन्ग साइड है देखो, उल्टी तरफ से ही है ये, और दूसरी तरफ से इसकी राइट साइड है, ये वाली इसकी राइट साइड है। सो अगर आप भी सीखना चाहते हो, आप भी बनाना चाहते हो अपने बच्चे के लिए, तो प्लीज विजिट कीजिएगा SH फैशन वर्ल्ड पे। आप समझ नहीं सकते कितनी खुशी होती है जब हमारा कोई काम फिनिश हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मुक्ति मिल गई इस काम से। अब वरना फिर लटके रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अभी होगा अभी होगा। अभी मैं शिवा को पहना के भी इसको दिखाऊंगी आपको, उसके बाद मैं आपके साथ गुड न्यूज शेयर करूंगी। एक्चुअली इसका नेक की वीडियो मैं अभी बना रही थी, तो वही मैंने अभी एक ही है। अभी मैं बाहर जाऊंगी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि बच्चे सारे मेरे बाहर गए हैं, सारे मतलब शुभी और शिवा बाहर हैं दोनों। तो अभी मैं शिवा को पहना रही हूँ वो वाली स्वेटर। एक्चुअली एक तो इसको पहना भी दो तो उसको उतारना मुश्किल हो जाती है, पहनाना भी मुश्किल, तो फिर उतारता नहीं है, फिर मना कर देता है कि मैंने नहीं उतारना। शिवा का स्वेटर कैसा लगा? शिवा को कैसा लगा स्वेटर बताओ, कैसा लगा शिवा को? लाइट नहीं आ रही यहाँ पे ठीक, क्योंकि ना अभी मैंने इस लाइट में मैं बना रही हूँ तो लाइट ठीक नहीं आई यार यहाँ पे। अच्छा बैक दिखाओ, बैक पार्ट दिखाओ अपना, पीछे घूम जाओ घूम जाओ। कैसा लग रहा है शिवा, कैसा लगा? तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन, और डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ फूलगोभी की सब्जी। एक्चुअली आजकल तो मैं देख रही हूँ सब्जियाँ आसमान ही छू रही हैं भाई, और गोभी भी 80 रुपए किलो, अभी तो यहाँ पर शायद 60 रुपए के जी लाई थी, पर बहुत महंगी हो गई है। जैसे शिमला मिर्च पूछी तो 120 रुपए किलो, तो हर जगह मैंने देखा। और इस समय पतिदेव भी आ गए थे, तो बस मैं उनको पानी दे रही हूँ। पानी हम ज़्यादातर गर्म ही यूज़ करते हैं, तो गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए सब्जी में मेरी बन चुकी है, और सब्जी ना सिंपल तरीके से बनी है, बिल्कुल सिंपल, मतलब वही प्याज लहसुन अदरक वगैरह डाल के और इसमें टमाटर वगैरह डाल के बनाई है, बाकी खुद खास और कुछ भी नहीं डाला है, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की। बस अभी डिनर हो गया है, क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर मिलती हूँ सुबह आपसे। देखो शिवा, शिवा ये सुंदर लग रही है। देखो शिवा,
ये सबसे घटिया लग रहा है, सबसे अच्छा मेरे शूज से घटिया और वो सबसे घटिया। नहीं मैं सुंदर ही हूँ, सीधे मुंह से मत बनाओ। क्यों? तो सुबह देखिए बाल मैंने वॉश कर लिए थे, देखिए फिर बाल कैसे लग रहे हैं, और एक भी बाल मेरा नहीं निकला है, अब काफी अच्छा लग रहा है, बाल नहीं झड़ रहे। हेलो, तो अभी है नेक्स्ट डे दोपहर, और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तैयार हुई है। एक्चुअली मैंने वही वाला ड्रेस वेयर किया है जो कुफ्तान कुर्ता मैंने लिया था। इट्स नॉट कुफ्तान, सुबह बोल रही है कुफ्तान, इट्स कफ्तान। हाँ, तो कहीं से आ रही हैं तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि कहाँ से हम आ रही हैं। सबसे पहले आपको बता देती हूँ गुड न्यूज़ क्या है, जिसका मैंने टाइटल डाला था। तो वो गुड न्यूज़ क्या है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और हम सभी के लिए गुड न्यूज़ है एक्चुअली। क्या है ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगी। एक्चुअली ना जो मेरा दूसरा चैनल है SH फैशन वर्ल्ड, मैंने नीटिंग से रिलेटेड बनाया हुआ है, उस पे मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आप सभी को कंग्रेचुलेशन। काफी टाइम से मैं वेट कर रही थी, 198 पे वो रुका हुआ था काफी टाइम से। जो 2000 सब्सक्राइबर है ना, वो मेरे मुझे लगता है लगभग 3-4 महीने लग गए उनको होने में, क्योंकि होता क्या है ना, वो नीटिंग से रिलेटेड है, मैं उसमें सिर्फ नीटिंग की वीडियो डालती हूँ, तो गर्मियों में तो वो चलता नहीं है, बाकी सर्दियों में जैसे सर्दी आने स्टार्ट होती है तो उस टाइम वो चलता है, और उसी टाइम उसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा मेरे गेन होते हैं, और बाकी मैं उसमें वीडियो भी नहीं डालती फिर इतनी, जब ठंड पड़ती है तभी मैं स्वेटर की जो वीडियो है वो डालती हूँ, बाकी आजकल जैसे डाल रही हूँ उस पर वीडियो। सो बस ये गुड न्यूज थी मेरे लिए, क्या आप सभी के लिए गुड न्यूज थी, क्योंकि आप सब अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं नहीं पहुंचती। बहुत सारे दोबारा से नहीं मिलेगा प्ले बटन, दोबारा से तो तब मिलेगा जब 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा। उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट करती हूँ, बाकी उसमें स्वेटर की नीटिंग हर चीज की वीडियो, अगर आपको शौक है तो उस चैनल पे जरूर जाइएगा एक बार। और मुझे लगता है हम जितनी भी लेडीज हैं हमें इस तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना दिखाना चाहिए, कुछ अपने हाथों से बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ भी बना लो, आप बूटी बना लो किसी के लिए, कुछ भी बना लो तो अच्छा लगता है, वरना फिर हमारे जो धीरे धीरे ये चीजें मैं देख रही हूँ अपने यहाँ से लुप्त तो होती जा रही हैं ये चीजें, जो नीटिंग है हाथ से बुनाई का काम है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट इस तरफ भी जगाइएगा, अगर होगा तो प्लीज उस चैनल पर भी जरूर विजिट कीजिएगा। 2 लाख सब्सक्राइबर में उस पर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, जो भी मेरे उस चैनल से इस चैनल पे आए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, उस चैनल या इस चैनल से उस चैनल पे गए हैं। सो ये थी गुड न्यूज, अब इसी के साथ ही मैं ब्लॉग को भी यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ, वरना ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ सब केस।